तो ललन जी क्या बोलेंगे, मंत्रालय भी संभालना है और उनकी जो आदत और चाल है गिरगिट वाली तो रहेगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं पिछला उनका भाषण देख रहा हूँ, भाजपा खिलाफ वाला, मजा आ गया। यही वो व्यक्ति है। तो कुछ लोग एक्टर होते हैं, कुछ लोग बड़े एक्टर होते हैं, तो बड़े एक्टर की तरफ से बड़ा एक्टिंग का बयान आया। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिरासवें वर्षगांठ मनाया गया। शहीद स्मारक के स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने वक्फ बोर्ड के फैसले को लेकर और ललन सिंह के ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। क्या लगता है, क्या हो रहा है? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अच्छा, किन पर कहा जाए, किन पर विश्वास किया जाए? बड़का झूठा पार्टी ने एक बिल लाया पार्लियामेंट, जो दान की भूमि है। वक्फ का मतलब दान। दान का अगर रहता शब्द तो दिमाग का माइंडसेट तो भाजपा का कैसा मालूम है। अगर कोई शब्द उर्दू का आ जाए तो किसी और से रिलेटेड है। तो ये दान की भूमि पर बिहार में, देश में, बिहार सरकार के बहुत सारे स्कूल, इनकी बड़ी बड़ी योजनाएं भी चल रही हैं। वक्फ के लैंड लिया जाता है, उस पर उस समाज के लिए अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास होता है। हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने, हिंदू हो के मुसलमान, पुरखों ने बहुत सारा दान दिया है। निर्माण के लिए दान दिया है, गरीबों के लिए दान दिया है, गौशालाएं बनाई हैं, मदरसा बनाया है, स्कूल बनाया है। तो इन सारी व्यवस्था करने के लिए हर प्रदेश में उसका एक बोर्ड होता है, जैसे न्यास होता है। न्यास और बोर्ड का माने एक ही है, जैसे दान और वक्फ का माने एक ही है। तो इसीलिए मेरे भाई, जनता दल यू बड़का झूठा पार्टी के साथ अंडा गठबंधन में है ना, तो ललन जी क्या बोलेंगे, मंत्रालय भी संभालना है और उनकी जो आदत और चाल है गिरगिट वाली तो रहेगी, कैसे बदल सकती है? जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, विचार शून्यता से जिस आदमी की शुरुआत होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं पिछला उनका भाषण देख रहा हूँ, भाजपा खिलाफ वाला, मजा आ गया। यही वो व्यक्ति है। तो कुछ लोग एक्टर होते हैं, कुछ लोग बड़े एक्टर होते हैं, तो बड़े एक्टर की तरफ से बड़ा एक्टिंग का बयान आया। धन्यवाद। उठा था 8 अगस्त को, जबकि उस वक्त के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे, उनकी अध्यक्षता में ये रेजोल्यूशन बम्बई में पास हुआ। 8 अगस्त की ही रात को देश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अन्य नेता और हजारों लोग सलाखों के पीछे डाल दिए गए। 9 अगस्त से क्रांति शुरू हुई। लोगों ने यूनियन जैक को हटा करके अपने अपने तरीके से भारत का झंडा फहराया। भारत के झंडा को फहराने में और 9 अगस्त में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हजारों लोग शहीद हुए। ये सात जो स्फूर्ति है, यह नौजवान भी पटना विश्वविद्यालय के हैं और दूसरे जगहों के, इनकी शहादत भी हुई। यह देश और देश की आज़ादी बड़ी मेहनत से हमारे पुरखों ने हासिल की है, जान की बाजी लगा के, दौलत की बाजी लगा करके, फांसी के फंदे को चूम करके। आज भी उस आज़ादी को, उस संविधान को बचा के रखने की कोशिश है। जो भी विघटनकारी शक्तियां, और ख़ास तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और स्वाधीनता संग्राम के उन सपनों को चूर चूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब के खिलाफ आज हम लोगों ने संकल्प लिया। वक्फ अधिनियम संशोधन बिल आ चुका है। जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कहीं भी मुसलमानों का हक नहीं मारा जा रहा है और इसमें कहीं भी मुसलमान के जो गरीब वंचित तबके हैं उनको हक दिलाने की बात। इंडिया गठबंधन ने एक स्टैंड ले लिया, स्टैंड न्याय योचित है। यह जो दान की जमीने हैं, जो हमारे पुरखे, जो हिंदू है मुसलमान दोनों ने दान किया हुआ प्रॉपर्टी इसलिए दिया कि उसको समाज के काम में लगाया जा सके। बिहार में वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, तो गोया के सुविधा के लिए हमारे बुजुर्गों ने स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह पे दान दिया। इसका ऑलरेडी
कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह दे दी गई है। इसको माइनॉरिटीज़ के लोग जो इसका देख रेख करते हैं उनकी पोजीशनिंग संविधान के अंदर आर्टिकल के द्वारा दिया हुआ, ये सब बहस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका नाम रहता वक्फ इमलाक नहीं रहता, दान रहता, तो तुरंत ये भाषा बदल जाती। वक्फ लगता अरे ये तो मुसलमानों से रिलेटेड है, ये सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड नहीं, ये इस देश के समाज के लिए है जिन लोगों ने दान दिया। उसी तरह से जो दान है, बहुत सारे सारे मठ हैं दान के, हज़ारों एकड़ ज़मीन उसका संचालन वहाँ के संचालन कर भी करते हैं, एक कमेटी बना करती है। तो अगर निगाह भारतीय जनता पार्टी की सही है तो चारों तरफ चारों निगाहों से देखें वह की प्रॉपर्टी को अपने लिए हड़पने का और एक शगुफा छोड़ने का, तो झुंझुना बजाने का एक आदत पड़ गया है। तो जनता जो ललन सिंह को झुंझुना बजाने में बहुत मज़ा आता, उनका पिछला भाषण भाजपा खिलाफ हम देख रहे थे, ऐसा ऐसा भाषण दे रहे थे लगता है कि भाजपा से तो कितना दूरी है। तो बड़का झूठा पार्टी के साथ जिन लोगों ने अपना तालमेल किया है ये उनको मुबारक। यह लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, हिंदी उसका क्या होगा मैं बोलना नहीं चाहता, हर आदमी जानता है कि अपॉर्चुनिज्म का हिंदी क्या होता है, द से शुरू होता है। मांझी और चिराग आरक्षण मामले पे जागर गए, कैसे देख रहे हैं? द से शुरू होता है तो क्या संकेत है? हम कुछ नहीं बोले, हम तो भाषा के ज्ञानी लोग हैं, तो यह बात समझेंगे कि कुछ शब्द द से भी शुरू होता है, म से होता है, ह से होता है, क से होता है, ख से होता है, क खर तक से भी होता है, कुछ शब्दों की शुरुआत कहीं से होता है। तो इसीलिए वो तो ललन बाबू तो ललन बाबू हैं, तो उनको जब मौका मिलता है कभी इस पार कभी उस पार कभी इस गली कभी उस गली, उनको आजकल मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है उनको। ये जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व है, खुद शीर्ष नेतृत्व है ना, वो एक टेक्निकल नेता जनता दल यू में बनाए हुए हैं, तो टेक्निकली जो कहना है कहें। दुनिया देश में तो आदमी भरोसा पर ही चलता रहता है, देखें आगे आगे देखो क्या है। अंडा गठबंधन विरोधाभास का गठबंधन है। हमारे माननीय मांझी जी को कैसा कैसा ऐसी विधानसभा में कहा गया, एक समाज के लोगों ने कहा कि जीभ काट लेंगे, फिर भी बर्दाश्त कर लिए। अब बर्दाश्त की प्रकाष्ठा है उनके, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कितना संयम है उनमें। अब रहा चिराग पासवान, तो उनको लगता है कि हमारा जो वोट है वोट बैंक में कहीं छेदा छेदी ना हो जाए, तो इसलिए ये छः लोगों का जो अंडा गठबंधन है ये विभक्त हो जाएगा। आप देखिएगा, विचार अगर सही है तो वो रहे। आपने साफ तौर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुना, उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारतीय बड़का झूठा पार्टी कहा, और ललन सिंह को लेकर उन्होंने जोरदार हमलेवार किया वकब वोट के लेकर। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पुरखों के ज़मीन है उसको लेकर समाज के कामों के लिए दिया जाता है, लेकिन ये जो वक्फ जो वोट है, ये वक्फ जो शब्द है ये उर्दू शब्द है, लेकिन अगर ये शब्द हिंदी रहता या अन्य संस्कृत शब्द रहते तो इसको लेकर दान वक्फ वक्फ के जगह अगर दान शब्द रहता तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से पुरखों के जो ज़मीन पुरखों ने जो ज़मीन दिया था समाज के काम को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी ये सब बंद करना चाहती है और वक्फ संशोधन को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। वैरल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सन सिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।